मिलता है, सब कुछ की सुविधा मिलता है, सोने की सुविधा मिलता है, सब कुछ की मिलता है, कहीं दूर लिया कहीं अंतिम लिया एक अच्छा आराम कमाने को इलाज करा देगा भाड़ा देगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो कुछ या कुछ महीनों से यहाँ पर रह रही है। कहाँ से आई हैं आप? हम गया जिला से आए हैं। गया जिला से आए, 8 महीना आप यहाँ पर रहे? हाँ, 8 महीना रह चुके हैं और फिर आए हैं बच्चा को देखने के लिए। तो डॉक्टर बोला कि बहुत अभी प्रॉब्लम तुम्हारा बढ़ गया है, तुम फिर से सिटी स्कैन करवा लो। तो खारघर में सिटी स्कैन करवाना है 22 तारीख को, तो ऐसे निकाल देंगे हम लोग को, तोड़ देंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी, गरीब आदमी के लिए बहुत ही बहुत बड़ा बात है कि यहाँ फ्री में सब कुछ मिल रहा है हमको, खाना पीना रहने के जगह कोई देगा नहीं ऐसे। लेकिन इतना उनका बहुत बहुत आभारी है सबको, सर लोग को, कि हम लोग के लिए इतना कर कुछ कर रहे हैं। इसके लिए कोई भी तोड़ रहे हैं तो ये गलत है, किसी गरीब का नहीं ऐसे करना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी खाना खाएंगे कि रूम भाड़ा देंगे, क्या करेंगे? इसीलिए हम यहाँ आते हैं, यहाँ सब चीज़ हमको सुविधा मिलता है। मरीज को तबीयत खराब होता है तो तुरंत दौड़ के लेके जाते हैं हम लोग, फिर दूर में चले जाएंगे तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? पैसा रहेगा तब तो करेंगे ना, पैसा ही नहीं रहेगा सबसे बड़ी बात है कि पैसा रहना है। पैसा हाथ में नहीं रहेगा तो गरीब आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा, उसको तो खाना पीना ही में लग जाएगा। सबसे बड़ा बात पैसा है, पैसा रहेगा तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब क्या मांग करती है? हम मांग करते हैं कि ऐसा नहीं करें, ये सब गलत है, ये सब तोड़ फोड़ नहीं करें, गरीब आदमी को जीने दे, खुद भी जिए, हम लोग को भी जीने दे, ये हम मांग करते हैं। आपका क्या कहना है, चूँकि आप भी कई महीनों से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं 10 महीना से। लेकिन अब ये जो है खाना बंद होने वाला है ऐसे सुनने में आ रहा है, और ये सब टूटने वाला है, तो क्या मन में विचार आ रहा है कि क्या करना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो हम कहाँ जिएगा? मैं परेशान है, पेशेंट से परेशान, मैं साल भर से पड़ल, कोई कमाने वाला खाने वाला कोई नहीं, मैं यहाँ हम ठहर के जी रहा है। पर्सन के देखा में पर्सन मेरा कभी कभी ओल बोल हो जाता, भीड़ है तब तो हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन यही से होगा, टूटना नहीं चाहिए, जान बच रहा मेरा। इधर बहुत दूर से आया, मेरा खिसरा जिला से आया, कहाँ रहेगा? हटा देगा तो मैं कहाँ रहेगा? पर्सेंट के दिखाएगा कि रूम में आपकी तरह यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग होंगे। हाँ, बहुत है, बहुत लोग हैं। और खाना पीना रहना टोटली फ्री है? टोटल फ्री है सब कुछ, पानी फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, सब कुछ फ्री है, कुछ में दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर क्यों हटाने की मांग हो रही है? चूँकि ये तो समाज सेवा है, हटना नहीं चाहिए, ये हट जाएगा तो मर जाएगा कैंसर पर्सेंट, बचेगा नहीं, उसका भी आदमी नहीं बचेगा, खाना नहीं मिलेगा कहाँ से बचेगा? खाना देगा तब तो बचेगा, उसका इलाज कराएगा, पेट में खाएगा, फिर रूम भाड़ा देगा। मेरा दो लड़का है, दोनों लड़का, एक लड़का कमाता था तो भाई लोग को पढ़ाता था, और वही बीमार पड़ गया, तो बड़ा लड़का भी आया है साथ में, तो कमाने वाला तो कोई नहीं है घर में। अब कौन किसी के किसका कमाए से हम दूसरे जगह रहेंगे या रूम भाड़ा देंगे या खाना खाएंगे? इसलिए मैं तो कहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, जो भी जो तोड़ने के लिए खोज रहे हैं ये ऐसा नहीं करें, किसी गरीब के हाय न ले, किसी गरीब का दुआ ले लेकिन हाय न ले, हम इतने विनती करूँगी। हम एक माँ का अगर जो प्रार्थना विनती अगर सुनते होंगे, माँ है हम, हजारों करोड़ों माँ है यहाँ परिवार, अपना बच्चा को कोई पति को लेके आए हैं तो अपना बच्चा पति के लिए तो कुछ इतना कर रहे हैं सर लोग, लेकिन सर को ऐसे नहीं करना चाहिए, घर द्वार नहीं तोड़ना चाहिए, किसी को नहीं हटाना चाहिए, किसी को देखिए कोई आता है तो खोता लगाता है, खोता को नहीं उजाड़ना चाहिए, वो हाय लगेगा ना, गरीब को तो हाय लगेगा, हटाना नहीं चाहिए, ये गलत है, हम लोग तो नहीं हटाने देंगे, हम लोग यहाँ रहेंगे, हम लोग को चाहे जान चला जाए कहे ना, जब हमारा बच्चा ही नहीं ठीक रहेगा तो हम लोग यहाँ से हट के क्या करेंगे? बोलेंगे हम लोग को भी मार दीजिए, सबको दे दीजिए, जब गोली मार दीजिए, बोलेंगे क्या करेंगे? ये बोलेंगे हम, लेकिन हटेंगे नहीं, कैसे हटाएंगे से देखते हैं हम भी। तो देखा आपने कि कुछ महिलाएं थी जो भावुक हो गई है, उनका यही कहना है कि उनके आगे पीछे अगर आप भगवान रूपी कह रहे हैं तो ये RSV फाउंडेशन और जो है इनके लिए खड़ी रहती है हमेशा, और ये वही कह रहे हैं कि कमाने मुंबई में महानगरी जैसे शहर में रहना और ट्रांसपोर्टेशन करना ये इनके बस की बात नहीं है, लेकिन RSV फाउंडेशन इन्हें सारी सुविधाएं दे रही है, जो इसीलिए वो सरकार से भी यही अपील कर रहे हैं कि यह जगह
ना टूटे और इनका जो दाना पानी है वो बंद ना हो। कैमरा पर्सन सुमित के साथ संजय श्रीवास्तव। अगर कोई किसी एक इंसान को कैंसर होता है और वो जब टाटा हॉस्पिटल मुंबई के टाटा हॉस्पिटल पे इलाज कराने के लिए आता है तो बहुत सारे ऐसे परेशानियां होती है जो उन्हें झेलना पड़ता है, और कुछ समाज सेवी रहते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं। उसी में से एक समाज सेवक अगर आप कह सकते हैं, इस वक्त हम जहां पे मौजूद है वो RSV फाउंडेशन है, जो यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पे रहते हैं और उनका सारा चीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई उनको पैसा नहीं लगता है। सर कहाँ से, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? हम तो बिहार से आए हैं। बिहार से आए जी। कितना दिन हो गया आपको यहाँ पे? यहाँ 6 महीना हो गया। 6 महीने। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये वर्मा फाउंडेशन जो है आप लोगों की मदद करती है? हम लोग को देखिए मदद अच्छी ढंग से मिल रही है, खाना पीना का व्यवस्था मिल रहा है, यहाँ पर रहने का सुविधा है, पैसा भी नहीं लगता है। अब खाना पीना 3 बार मिलता है, सुबह को भी, दोपहर को भी मिलता है 12:30 बजे, उसके बाद 6 बजे भी मिलता है खाना पीना, और रात में भी खाना पीना। उधर जाते हैं तो रोटी सब्जी दूध वगैरह मिल जाता है, पोस्ट की तरफ से भी खाना पीना फल फूल सब कुछ मिलता है। हम लोग को हर एक प्रकार से सुविधा है, बहुत अच्छा नीति यहाँ का है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुनने में ऐसी आ रही है कि ये जो आप लोगों को खाना मिल रहा है, रहने का सुविधा है, इसको खाली कराने के, बंद कराने के लोग जो है BMC अपील कर रहे हैं। जैसे हम अपील कर रहे हैं तो हम लोग जितना आदमी है, 100-150 लगभग झुग्गी झोपड़ी वाली है, जितना भी आदमी है सब कुछ संघर्ष कर देंगे, इसके लिए आंदोलन कर देंगे, एक नारा लगेंगे। हम लोग को अगर बंद हो जाएगा ये सारी सुविधा व्यवस्था, तो हम लोग गरीब गुरबा आदमी कैसे इलाज करेंगे, कैसे रह पाएंगे, कैसे क्या करेंगे। इसी सरकार से अपील करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ी दुखद की बात है। क्या सरकार से यही चाह रहे हैं कि जो है ये रोक दे? हाँ, जितना हम लोग को फैसिलिटी मिल रहा है वो फैसिलिटी मिलना अनिवार्य है, इसलिए कि गरीब गुरबा जितना भी इलाज कर रहे हैं सब सुख शांति से जी सके, इलाज कर सके। सर आपका क्या कहना है, कब क्या? सही कह रहे हैं, BMC को भी सोचना चाहिए कि जो ये सुविधा मिल रही है उनको मिले, क्योंकि वो तो अपने तरफ से कुछ कर नहीं रहे हैं, बहुत लोग गरीब हैं। कम से कम उनको भी सोचना चाहिए था कि जब आप कुछ नहीं सोच रहे, कुछ समाज से भी ऐसा सोच रहे हैं, तो कम से कम आप उसको रोके नहीं, ये उनको सोचना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे लोग जो इलाज कराने आते हैं, चूँकि ये बस की बात नहीं होती इलाज कराना, किसी की बस की बात नहीं, जितना महंगा खर्च है, जितना दवा में लगता है, लंबा लंबा लाइन लगता है डॉक्टरों का, महीनों 2 महीनों 6 महीने लोग यहाँ पड़े रहते हैं। अगर थोड़ा उनको सुविधा मिल जाता है जिससे उनको हिम्मत बढ़ता है कि इस चीज़ को हम करा पाए, नहीं तो फिर ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं मर जाएंगे इलाज के बगैर। तो ये सभी को सोचना चाहिए, जितने भी लोग हैं। वसंत लक्ष्मण मोरे कुठे राहता? आम्ही असं टेम्पररीमध्ये आता दिव्याला राहतो, आम्ही गावावरून आलो पेशंट घेऊन, टाटा हॉस्पिटलमध्ये आमचे उपचार चालू आहे। जेवण तुम्ही, तुमच्या हातात मध्ये जेवण आहे, हे जेवण जे RS वर्मा फाउंडेशन तर्फे तुम्हाला नेमकी देते जाते, कसं वाटतं? चांगलं वाटतं आणि फार बरं वाटतं, कारण आम्ही आलो तर आमची आर्थिक परिस्थिती फार कमजोर आहे, हेच जेवण आम्ही बाहेर विकत घेतलो तर हे नाही, पण त्यांना आम्ही धन्यवाद देतो की ते आमचे थोडी जेवणाची व्यवस्था करतात। पण आता काय, BMC आणि सरकारतर्फे ना थोडासा ते लोकांना प्रेशर आलंय की हे बंद करा म्हणून। काय ते हे जेवण, जेवणच्या बंद करा म्हणून? आता एवढे हजारो पेशंट आहेत मॅडम, सर्व UP मधून, बिहारमधून, बंगालमधून, कुठून कुठून, अनेक प्रांतातून आपला जीव वाचवण्यासाठी इथे आलेत, आणि सर्वसामान्य माणसं आहेत, त्यांची परिस्थिती हालाकीची आहे, आम्हाला पण अडचणीचे पैशाचे ते इकडून तिकडून आम्ही लोकांकडून घेऊन खर्च भागवतो। म्हणजे जर सरकारने सर्व जर बंद केले, भोजन बंद केलं, तर मग काय पुढचं, काय प्रजेचं काय होईल? आम्हाला जशी भूक आहे, भूक लागते, तशी इतरांनाही लागते। त्यांच्यामध्ये सहभाग घेऊ, आम्ही स्वतः BMC मध्ये, आमचं कोणी ऐकणार नाही तिथे।
पण तुम्ही अपील करू शकते ना की ते फाउंडेशन जे आहे आर त्यांच्या त्यांच्या वतीने करू शकतो. तिला ते त्रास देऊ नका कारण बरोबर आहे, चांगली कामं करतात, भेटते, अनेक संस्था येते आणून जेवण पुरवतात, चादरी चटई वगैरे काय ना काय तरी आर्थिक मदतही करतात, सर्व काही होतंय हे सर्व बंद. काही संस्था अशा आहेत तर देतात, पण तिथपर्यंत त्यांच्यापर्यंत जावं लागतं. आम्हाला अजून तिकडचा मार्ग सापडला नाही, आम्ही खेडेगावातून आलो तर जेवढं काय जेवढं माहीत आहे तेवढं आता हे हॉस्पिटल इथे अनेक लोकांनी इथली ऑर्डर दिली, सांगितलं, आणून दाखवलं, इथे भोजन होतं आणि त्याचा आम्ही आनंद घेतोय. त्यांचे फार उपकार आहे. बंद झाल्यानंतर काहीतरी प्रयत्न करी लागेल, हालत खराब होईल, मग आमचे होईल तसे इतर लोकांचेही होईल. हम उल्फत खातून कहाँ से आई है? एमपी से आई है. निवाड़ी जिला. किसको बीमारी हुआ है? हस्बैंड को. आप ही को? हस्बैंड को. हस्बैंड को क्या हुआ? कैंसर गाल में. अच्छा अच्छा. यहाँ पे आप लोग आती है तो हाँ. आप लोगों को खाना फ्री में दिया जाता है? फ्री में दिया जाता है, बुला के भी दिया जाता है, बुलाते हैं भाईजान खाना वाले, बुलाते हैं कि खाना ले जाओ, बच जाता है फिर भी बुलाते हैं खाना ले जाओ, यहाँ का खाना अच्छा मिलता है, मतलब सारा पौष्टिक. हाँ हाँ, मरीज भी खाते हैं और जो मरीज के साथ में है वो भी खाते हैं. लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि इसको हटाने की बात चल रही है कि नहीं? नहीं, हटाएंगे तो पूरी जनता भूखन मर जाएगी. सबसे ज्यादा यहाँ से 8 बजे से 9 बजे से नंबर शुरू हो जाता है लगना, खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, खाना के इंतजार में. और जो खाना नहीं आता है तो इतना आदमी किसी से खाना नहीं लेता है, उतना दिल कहता है कि जो खाना आ जाता है तब पेट भर जाता. तो क्या कहना चाहेगी, कितने लोग खाते होंगे? बहुत लोग खाते हैं, वहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी लेते हैं, पूरी पब्लिक लेती है, लेके जाते हैं. हाँ, बंद कर देंगे तो बहुत सारे लोगों की तकलीफ होगी और बहुत सारे भूखन भी मरेंगे, भूखे मरेंगे. हाँ, तो क्या अपील करती है सरकार से? सरकार से ये है कि जो खाना बटने चाहिए, बटना चाहिए. हाँ, ये बंद नहीं होना. हाँ, क्या है कि इस खाना में बहुत टेस्ट है. टेस्ट अच्छा. हाँ, पौष्टिक भी रहता. हाँ हाँ, थैंक यू. मेरा नाम ब्रज किशोर सिंह है, हम आए हैं बिहार से. हमको तो 1.5 महीना हो गया यहाँ आए. मतलब क्या हुआ है, किनको कोई बीमारी? नहीं, हम ही को हुआ है, ब्लेडर में प्रॉब्लम था, यूरिन ब्लेडर में. अच्छा। उसी का ट्रीटमेंट अभी 1 साल से चल रहा है. मदद रहने का मदद है, खाने पीने का मदद है, हर तरह से सुविधा दे रहा है. और मेन तो दिक्कत ये है कि जस्ट अपोजिट है मेरे दीवार के साइड में. हाँ. मेमोरियल हॉस्पिटल. हाँ. टाटा में ये नज़दीकी पड़ता है, तुरंत अपना जाता है, आता है आदमी, काम करता है, और क्या कहें आपको. लेकिन कुछ बीएमसी वगैरह जो यहाँ लोग हैं वो सुनने में आया कि वो कर रहे हैं बीएमसी वाले इसको तोड़ देंगे, ये करेंगे, तो दिक्कत तो होगा ही पब्लिक को या पेशेंट को परेशानी. अब इतना नज़दीक में है, पेशेंट तुरंत कोई भी तरह इमरजेंसी होता है तुरंत हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है. अब कहीं और जगह जाना पड़ेगा तो परेशानी तो बढ़ेगी आदमी को. यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? यहाँ करीब 100-150 लोग रहते हैं. 150 लोगों. हाँ, कहीं ना कहीं जो है उनके साथ नाइंसाफी हो रही है. हाँ, नाइंसाफी हो ही जाएगा जब ऐसा प्रॉब्लम आएगा. फिर आप लोग किधर जाएंगे? अब भगवान जाने कहाँ. नहीं, सही बात है, यहाँ पे इलाज तो बहुत महंगा है, और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रहना और खाना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जितना है खाने में रहने में बहुत खर्चा हो रहा है यहाँ पे. तो यहाँ आरएसवी की तरफ से खुली व्यवस्था है रहने का, खाने का, 3 टाइम खाना फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, ये बड़ी बात है. और कि ये इधर से हो रहा है तो कहीं ना कहीं इलाज भी आदमी गरीब करवा ले रहा है. लेकिन इसको जो है हटाने की मांग हो रही है कि ये जो खाना है आप या तो बंद कर दीजिए. गलत है. नहीं, कहीं ना कहीं कोऑपरेट करने की आवश्यकता है, और एमसीबी वाले जो भी है इनको और कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो है बहुत दूर दूर से आते हैं, हर एक स्टेट से आते हैं, सब गरीब ही आते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है रहना खाना. और ट्रीटमेंट तो जो है वो तो होता ही, और कि ये कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ये लंबा ट्रीटमेंट है, 5 महीना 6 महीना रहना पड़ता है. कहाँ से गरीब रहेगा, रूम लेके तो नहीं रह सकता है. इसीलिए यहाँ आरएसबी की तरफ से ये व्यवस्था है कि आप फ्री में रहिए, खाना का व्यवस्था है, हर एक चीज़ का सुविधा है, जो कि ये बड़ी बात है.
ये हमेशा रहना चाहिए और हम लोग इनको कोऑपरेट करते हैं, आगे भी करेंगे। सर क्या प्रिंसिपल है कि नहीं ये संस्था हम बंद कर देंगे और सब गरीब पेशेंट जितना भी है सबको मतलब से टर्मिनेट रिजेक्ट कर देंगे, तो ये बहुत सोच गलत है। हम उस सबसे हम विनती करते हैं। एक तो एशिया महानगर का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल है और जिस हिसाब से RSV फाउंडेशन हम लोग को केयर कर रही है, और कोई भी फाउंडेशन नहीं है, सरकार से, प्रशासन से और न्यायालय से अपील करेंगे इस पर विचार करते हुए, जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं सबको देखते हुए, भावनाओं को समझते हुए हम लोग पर रहम करे, या तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था बतलाए। हम लोग कहाँ जाएंगे, कुछ तो वैकल्प नहीं है सरकार के पास, ना हॉस्पिटल हम लोग को कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे रही है, हम लोग जाएंगे कहाँ। एक तो पेशेंट के साथ साथ अटेंडेंट भी हैं, वो लोग खाएंगे कहाँ से। हम लोग की सबसे बड़ी समस्या रहना और खाना, जो कि RSV फाउंडेशन फ्री में देती है 3 टाइम, और मूलभूत वही चीज़ होती है जो पेशेंट आते हैं उनके लिए, जो खाना और रहना। यहाँ पर मुंबई जैसे नगर निगम महानगर में ये चीज़ सबसे बड़ी समस्या है, और इसके लिए RSV फाउंडेशन और खास कर राधेश्याम शर्मा वर्मा जी जो कर रहे हैं वो अभी तक ने किसी ने नहीं किया। मैं पिछले 6 महीना से यहाँ पर भटक रहा हूँ, कहीं पर ऐसा सोच और ऐसा व्यवस्था मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं चाहता हूं सरकार से, न्यायालय से और प्रशासन से ये इसको ना हटाया जाए। तो देखा आपने कि जिस तरह से लोगों की सिर्फ यही मांग है कि उनकी जो ये संस्था है RSV फाउंडेशन, उनको जो है रखा जाए, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी आते हैं, और यहाँ पे उनका रहना खाना जो है वो टोटली फ्री रहता है, जो उनके लिए एक रामबाण साबित होता है। और उनका यही सरकार से भी अपील है कि जो इनकी संस्था है उसको बंद ना किया जाए, अगर वो बंद करते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने की आशंका है। कैमरा पर्सन मिलिंद के साथ संध्या श्रीवास्तव।